हाँ जी, नाइन्थ क्लास शुरू करें तो आ जाओ। रदर फोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चे, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यही बेसिस बना रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का। क्या था वो भी बताते हैं। देखो, ये थी उसका, आप एक तरीके का कलेक्टर चेंबर बोल सकते हो। क्या था कलेक्टर, एक बार देख लो, देख लिया कलेक्टर चेंबर। अभी कलेक्टर चेंबर बच्चे देखो, असल में कुछ अभी आपका ये ऐसे था, ठीक है, ऐसे बिल्कुल ये दिख रहा होगा। इसको थोड़ा मैं बंद कर देता हूँ, और बच्चे कैमरा वैमरा हिल जाए तो इतनी दिक्कत मत लेना। देखो चक्कर क्या है ना, लॉकडाउन के चलते जो मेरे पास 3-4 साल पुराना टूटा फूटा माइक है ना, तो इसकी वायर बच्चे बहुत ज़्यादा छोटी है, तो एडजस्ट कर लेना आप, ठीक है। कनेक्टर चेंबर, और इसमें उसने रख दी एक गोल्ड फॉइल। अरे पसीना बहुत आता है भाई, छोटी कर देता हूँ, अजीब सी लग रही है ना। हाँ, ये क्या थी बोल दो सर, ये थी गोल्ड फॉइल, ठीक है। और यहाँ पे बना देते हैं भैया सोर्स, अब जैसा भी है ना, देखो लॉकडाउन के चलते जैसा कर पा रहे हैं छोटी इस वायर से वैसा कर रहे हैं, इसलिए तो इतना पास रखा हुआ है बोर्ड के कैमरा। अब बच्चे देखो, ये था अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स, अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स, अल्फा पार्टिकल सोर्स, ठीक है। इससे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आ रहे थे, इतनी दूर दूर थे नहीं, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। और ये एक गोल्ड फॉइल थी कलेक्टर चेंबर के अंदर, और बच्चे गोल्ड फॉइल को ही क्यों चुना गया, इसका रीजन ये है। देखो, गोल्ड फॉइल को बहुत ज्यादा पतला बनाया जा सकता है, आप 8th क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी पढ़ के आए हो, ठीक है। बाकी और किसी मेटल की शीट को इतना पतला नहीं बनाया जा सकता। अगर आपसे कोई पूछे रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को ही क्यों चुना, तो रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को इसलिए चुना क्योंकि गोल्ड फॉइल को सबसे ज्यादा पतला बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इधर देखो, इसकी मोटाई आप मान सकते हो, जो थिकनेस थी ना, बोलोगे सर आपने नापी थी, बेटा डाटा नाम की भी कोई चीज होती है, तो आप कह सकते हो इसकी जो मोटाई थी वो थी 2000 एटम्स ऑफ गोल्ड के बराबर अप्रोक्सीमेटली। तो आप समझ बच्चे देखो, 2000 एटम की जो थिकनेस होती है वो हम आप कह सकते हो नॉर्मल किसी भी स्केल से, क्या कोई सस्ता जैसे आपकी लैब वगैरह में, खैर नाइन्थ के बच्चों को तो नहीं पता होता, वर्नियर कैलिपर वगैरह उनसे भी नहीं नाप सकते, ठीक है, इतनी पतली शीट थी। अब ये देखो उसने किया क्या, उसने अल्फा पार्ट, ये जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं इनको बॉम्बार्ड किया, बॉम्बार्ड का मतलब है टकराए, बॉम्बार्ड, अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से टकराए। अब रदरफोर्ड ने सोचा क्या था और हुआ क्या, रदरफोर्ड ने सोचा था नॉर्मली सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे 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 निकल जाएंगे, जो कि काफी हद तक ऐसे ही हुआ, नॉर्मली सारे अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए, ले सारे बेटा सॉरी सारे नहीं ज्यादातर। अब ये देखो हुआ क्या, अल्फा पार्टिकल आया सीधा गया, आया सीधा गया, आया सीधा नहीं गया, ऐसे चले गया। अब सबसे पहली बात ये, इससे पहले आपको थॉमसन मॉडल जरूर पता होना चाहिए, नहीं तो रदरफोर्ड वाला समझ में नहीं आएगा। अब देखो,
उसका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था क्या? सिंपल सी बात है, अल्फा पार्टिकल सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया गया। अल्फा पार्टिकल होते क्या है? हीलियम एटम से जब दो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया जाता है तो उस पार्टिकल को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा बोल दो या फिर अल्फा, अल्फा बोलने में कई लोग अंग्रेज बनते हैं ना पूरे, तो अल्फा भी बोल देते हैं अल्फा, ठीक है। अल्फा पार्ट, अब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग अल्फा पार्टिकल जो है अप्रोक्सीमेटली सारे सीधा निकल जाने चाहिए थे बिना किसी दिक्कत के, लेकिन रदरफोर्ड ने देखा ज्यादातर तो सीधे निकल गए लेकिन सारे नहीं निकले, कुछ कुछ ऐसे थे जो कि ऐसे आए, कुछ ऐसे करके थोड़े से इधर टिल्ट हो गए, और कुछ कुछ तो ऐसे थे अपने रास्ते आए टकराए, जैसे आए थे सेम टू सेम उसी रास्ते पर वापस चले गए, इधर आए टकराए और ऐसे। बेटा इधर का मतलब इधर नहीं है, इधर शीट की बात, सॉरी गोल्ड फॉइल की, गोल्ड। अब सिंपल सी बात है बच्चे, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अल्फा पार्टिकल होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। और अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, ठीक। अब इसको थोड़ा सा मिटाता हूं क्योंकि देखो अब मेरे को ये एक्सपेरिमेंट तो यही था छोटा सा, ठीक है। अब मेरे को रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम भी तो समझाना है, तो आ जाओ भाई, खेल यहां पे खत्म नहीं होता, खेल यहां पे शुरू होता है। अब भाई देखो, थॉमसन ने बोला था कि एक एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो है वो पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, लेकिन ये जगह ना खाली है। खाली, खाली का मतलब है हवा। अब आप हवा में कोई तीर चलाओगे तो सीधा निकल जाएगा, लेकिन वही सामने कोई पेड़ आ जाए तो वो तीर उससे टकरा जाएगा ना। तो थॉमसन, ओ रदरफोर्ड ने सोचा कि थॉमसन के अकॉर्डिंग तो फिर तो अगर ये जगह पूरी खाली है, अल्फा पार्टिकल आएगा शूं 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 चले जाएंगे बिना किसी, ये लो ना एक मिनट के लिए हटा देता हूँ, बिना किसी दिक्कत के, तभी तो उसने सोचा था कि ज्यादातर ऐसे ही निकल जाएंगे, लेकिन ये जो थॉमसन का मॉडल था वो फेल हुआ। और रदरफोर्ड ने एक नया मॉडल बनाया जो कि काफी हद तक सही भी था। अब देखो असली में क्या हो गया, ये तो सोचने वाली बात है, असली में हुआ कुछ ऐसा। अब रदरफोर्ड ने बच्चों को डिस्कवर भी किया था, उसको बोलते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है, या फिर कई कई बुक्स में प्रोटॉन्स भी लिखा होता है, ठीक है। तो बेसिकली रदरफोर्ड ने एटॉमिक न्यूक्लियस और प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, मैं कह रहा हूं ये एक एटम है बच्चे, देखो मैं एक गोल्ड के एटम को आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, आंखों से तो भी देख ही नहीं सकते, तो वो तो भूल ही जाओ सर, अरे वाह ऐसे ऐसे सर्कल दिखता है क्या, स्फीयर। अब देखो मैं कह रहा हूँ ये अल्फा पार्टिकल आया, ये अल्फा पार्टिकल आया, ये अल्फा पार्टिकल आया, यहाँ भी आया, ये यहाँ भी आया, ये यहाँ भी आया। अब देखो बच्चे आप 8th क्लास में पढ़ के आए हो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है तो अगर वो किसी पॉजिटिव चीज के सामने आएंगे तो वो चीज उसको दूर भगाएगी, और किसी नेगेटिव चीज के सामने आएंगे तो वो नेगेटिव चीज को खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, अब अल्फा पार्टिकल कैसे होते हैं मैंने बताया था पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन से तो उनको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेट से मैं कह रहा हूँ रास्ते में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल से बहुत 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 छोटे होते हैं, इतने छोटे ये लगा लो कि आपके सामने एक फुटबॉल है और एक चीनी के दाने से भी छोटा मोती, तो क्या उस फुटबॉल को उस चीनी के दाने से फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं, वो फुटबॉल आराम से निकल जाएगी। ऐसे ही अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अल्फा पार्टिकल से बहुत छोटे होते हैं, इसलिए अल्फा पार्टिकल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो वो नॉर्मली आया सीधा निकल गया, आया सीधा निकल गया। अब उसने सोचा ऐसा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ क्या देखो, ये है एटम का न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव इन नेचर, इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे होते हैं, चलो बात की बात है। अब एटम का न्यूक्लियस है पॉजिटिव इन नेचर, लेकिन ये रदरफोर्ड को नहीं पता था कि न्यूक्लियस नाम की भी कोई चीज होती है, बाद में पता लगा एक्सपेरिमेंट में, उसने देखा एक अल्फा पार्टिकल। अब बेटा देखो
ये कुछ रिपेल हुआ, ये ऐसे निकल गया, ये कुछ रिपेल हुआ ऐसे निकल गया, ये थोड़ा सा रिपेल हुआ हल्का सा ऐसे निकल गया। क्यों भाई? ये चीज को दूर पका रही है। मैं कह रहा हूँ ये मेरा पैन ऐसे जा रहा है और कोई चीज इसको ऊपर धकेल दिए तो ये सीधा जाएगा ना, ये ऐसे यूं निकल जाएगा, फोर्स लग रहा है। जैसे ये आया ना, ये आया और ये चले गया, ठीक है। तो रदरफोर्ड को तब रियलाइज हुआ कि एटम्स के सेंटर में कोई बड़ी सी चीज है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियस नहीं होता तो ज्यादातर जो सीधे जा रहे थे वो सीधे निकल जाते बिना किसी दिक्कत के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देख रहे हो ना भाई, काफी सारे ऐसे थे जो कि इधर उधर डिफ्लेक्ट हो गए। क्यों? एक पॉजिटिव बॉडी थी। रदरफोर्ड को तब रियलाइज हुआ वो जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसका नाम उसने फिर रखा क्या? एटॉमिक न्यूक्लियस। चलो जी, अब बात करते हैं और आगे बढ़ाने की। तो रदरफोर्ड ने तब बताया क्या कि एटम्स का एक सेंटर पार्ट भी होता है, ठीक है, और उस सेंटर पार्ट का नाम होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। दोबारा बताता हूं, एटम का सेंटर पार्ट होता है एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल गोल घूमते रहते हैं, ठीक है बच्चे। ये था आपका, और आपकी बुक्स वगैरह में डाटा भी लिखा है, किसी बुक में अलग तरीके से लिखा है, तो कईयों में ऐसे लिखा है 1 out of every 8000। ये इसके ना आपके एनसीईआरटी में ऑब्जर्वेशन फीचर कंक्लूजन सब है 1 out of every 8000 बाउंस बैक भी हुआ था अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो आप बुक भी पढ़ लेना एक बार। अब समझ में आया रदरफोर्ड ने मतलब कैसे कैसे थॉमसन के मॉडल को फेल किया था, क्योंकि थॉमसन ने तो न्यूक्लियस के बारे में कुछ बताया नहीं था। थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग तो सारे सीधे 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 निकल जाते, लेकिन रदरफोर्ड ने जब असली में करके देखा कुछ तो सीधे सीधे निकल गए, लेकिन कुछ सीधे नहीं निकल पाए, कुछ टेढ़े चले गए, कुछ तो अपने रास्ते पर वापस चले गए। ऐसा क्यों? अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है और एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑल्सो पॉजिटिव इन नेचर, जो कि पता ही नहीं था रदरफोर्ड से पहले किसी को भी कि एटॉमिक न्यूक्लियस नाम की कोई चीज भी होती है। क्लियर है? चलो,